चलिए क्लास एक कॉन्सेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन है कि कंपेयर SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो क्लास आपने SN1 और SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म पढ़े, अब आपको उन दोनों प्रकार के रिएक्शन के जो कुछ की पॉइंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और SN1 एंड SN2 रिएक्शंस को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। आई होप क्लास आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर हम SN1 और SN2 को कंपेयर करने वाले हैं, तो चलिए कंपेयर करते हैं SN1 और SN2 को। तो SN1 जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म होता है, यानी कि रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट होता है, जबकि SN2 में रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर होता है। SN1 रिएक्शंस 2-स्टेप मैकेनिज्म होता है, जबकि SN2 रिएक्शंस में सिंगल स्टेप पाथवे फॉलो होता है। SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के साथ होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट ऑफ कार्बन मिलती है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनने के कारण रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, यानी कि एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए खुद को रीअरेंज कर सकता है, जबकि SN2 रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगर SN1 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, जबकि SN2 के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि जो कार्बन है जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुआ तो SN2 रिएक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं।